देखिए, पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट पहले ख़त्म हो चुका था, कल से रिस्पोंडेंट्स का आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया है। कल और आज आधा दिन मैंने आर्ग्यू करके अपना सबमिशन स्टेट की तरफ से प्रस्तुत किया और बताया कि क्यों इस पिटिशन में हम लोग का पर्सपेक्टिव क्या है। कोर्ट ने बहुत सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर में पूरी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और मेरे ख़त्म करने के बाद दुष्यंत दवे साहब आए हैं, वो भी स्टेट की तरफ से अपियर हो रहे हैं दूसरी पिटिशन में। अब उनका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो चुका है, उनका आर्ग्यूमेंट आज इंक्लूड नहीं हो पाया तो वो कल आर्ग्यू करेंगे। अब उसके बाद क्या डेट होगी, क्या फिक्स होगा शेड्यूल, वो कल पता चलेगा। बट एज ए से इट्स अ पेंडिंग केस, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते। हम कुछ जो बहस करना है कोर्ट में करते हैं, कोर्ट के बाहर नहीं करते। सर, आपने अपनी दलील में कहा कि CPS जो है कोई मंत्री पद नहीं है, वो एक सहयोगी की तरह। वो हमारी दलील थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल दलील थी कि जो CPS है वो मंत्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंत्री का एक प्रतिबंध होता है, उस प्रतिबंध के बियॉन्ड आप मंत्री बना ही नहीं सकते। और जो हिमाचल एक्ट है उसके बारे में हमने दलील पेश की कि वो जो दूसरे एक्ट थे उनसे डिफरेंट है, हमारे उस एक्ट का दूसरे एक्ट से कोई संबंध भी नहीं है। अब ये सब बातें कोर्ट के बीच की बातें हैं, उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी पब्लिकली नहीं करना चाहेंगे। एक कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, कोर्ट में हम सबको सुनेगी और देन कोर्ट विल डिसाइड कि कौन सी बात सही है कौन सी बात सही नहीं है। ये चीज़ें मैं तो कोर्ट में ही बता सकता हूँ, आपके बीच में नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बहस करने की जगह नहीं है, बहस करने की जगह कोर्ट होती है। और इसलिए हम खाली ये बता सकते हैं कि हम लोग के आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड नहीं हुए हैं, कल भी चलेंगे और कल के बाद जैसा कोर्ट डिसाइड करेगी वैसा शेड्यूल होगा। थैंक यू।